नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। Samsung Galaxy M51 का लैंडिंग पेज लैंड कर चुका है Amazon के ऊपर। जी हां, अब यहां पर जो इसकी लॉन्चिंग डेट निकल के आई है वो 10 सितंबर को है और बाकी सब कुछ निकल के आ चुका है। सब कुछ समझ रहे हो, मतलब इसके अंदर एक्सिनोज का 9611 का जो प्रोसेसर की उम्मीदें की जा सकती थी, की जा रही थी, वो अब नहीं आएगा। सैमसंग ने कंफर्म कर दिया है इसके अंदर क्वालकॉम का ही प्रोसेसर आएगा। अब क्वालकॉम का कौन सा प्रोसेसर आएगा ये नहीं बताया, लेकिन ये तो हम लोगों को पहले से ही पता है कौन सा आएगा, क्योंकि 730 हो सकता है या 730G हो सकता है, यही दो प्रोसेसर हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है, ये कन्फर्म है लगभग। और बात कर लेते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 6.67 इंच की आपको पंच होल डिजाइन वाली सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि कुछ इस प्रकार की है। काफ़ी कमाल की डिस्प्ले है, डिस्प्ले से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और अभी मतलब कल ही एक हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे फैमिली हैं, उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि भैया इसके अंदर आपको TCL की मतलब डिस्प्ले मिलेगी या सैमसंग की खुद की होगी। तो हम आपको बता दें, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है और लॉन्च होने से पहले ये चीज़ बाहर नहीं निकल के आती है कि इसके अंदर TCL की यूज़ करी गया है, सैमसंग की यूज़ करी है। मैंने मतलब हर जगह एकदम खोज डाला, हर जगह हर एक वेबसाइट पर देखा, लेकिन कहीं पर भी ये कन्फर्मेशन नहीं मिली है। और अगर बात करें हम इसके भैया सबसे हाईलाइट और सबसे दमदार फीचर की, इसके अंदर जो बैटरी दे रखी है, मतलब 7000 mAh की एक बहुत बड़ी बैटरी, मतलब एक अलग ही लेवल की बैटरी है। और इसमें 25 वाट का चार्जर दिया जाएगा, मतलब चार्जर बैटरी को देखकर बहुत छोटा है, 25 वाट का मतलब कम नहीं होता है, लेकिन बैटरी बहुत हाई फाई है, तो इसे चार्ज करने में अप्रॉक्स 2 घंटे तक लेगा, क्योंकि बैटरा है, बैटरी नहीं है ये। और अगर हम बात करें इसके अदर फीचर्स की, तो भैया ये अमोलेड डिस्प्ले तो दिया गया है, लेकिन इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होगा। जी हाँ, और अगर हम बात करें इसके बैक साइड की डिजाइन की, तो ये कुछ इस प्रकार की है, काफ़ी सही दिख रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्लास पैनल नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपको भैया पॉलीकॉर्ड का ही बॉडी मिलेगा, जिसे ये सैमसंग ग्लास्टिक बॉडी बोलता है, जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। और क्वाड कैमरे का सेटअप दिया गया है बैक साइड में, आप देख सकते हैं, जिसमें 64 MP और 12 MP, 5 MP और 5 MP का सेंसर यूज़ किया गया है। 64 MP मेन कैमरा 8 और 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, 5 MP का आपका डेप्थ और 5 MP का माइक्रो सेंसर यूज किया गया है। फ्रंट में आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ में 32 MP की सेल्फी दी गई है, यानी कैमराज में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे फोटोज आने वाले हैं, काफ़ी तगड़ा कैमरा होने वाला है। इसी वजह से ये जो स्मार्टफोन है, मतलब एक तरीके से फुल पैकेज वाला होने वाला है। आप गेमिंग करते हैं तब भी आपके लिए है, आपको गेमिंग नहीं करनी है, आपको कैमरा फोटोग्राफी करनी है तब भी आपके लिए है, आपको बहुत बड़ी बैटरी चाहिए तब भी आपके लिए है। और लेकिन ये थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 20,000 के अंदर नहीं आने वाला है, इसका प्राइस लगभग 24,000 तक होने वाला है। जी हाँ, लगभग 24,000 से 25,000 तक ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आने वाला है। और अगर हम बात करें भैया इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो ये वन यूर 2.0 के साथ में एंड्रॉयड 10 के साथ में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि वन यूआई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस देती है। पर्सनली अगर मुझे मतलब कौन सा OS पसंद है, तो आई थिंक मुझे iOS पसंद है, क्योंकि सबसे बेस्ट लगता है मुझे वो, और काफ़ी क्लीन होता है, काफ़ी स्मूथ होता है। लेकिन अगर एंड्रॉयड में देखा जाए तो ऑक्सीजन OS, वन UI यही सही है, क्योंकि MIUI जो होता है और ये जो भी जितने भी OS हैं, XOS, उनके अंदर एड्स बहुत देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको एड्स की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अगर हम इसकी प्राइजिंग को लेकर बात करें, तो ये जर्मनी में लॉन्च हो चुका है और इसकी जो प्राइजिंग रखी गई है वो भैया अप्रॉक्स 31,000 निकल के आई है, मतलब वहाँ के हिसाब से। लेकिन अगर हम इस यहाँ पे इंडिया में अगर सोच रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड है कि ये 25,000 तक लॉन्च होगा, ये 31,000 तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि जब वहाँ पर इस प्राइस में लॉन्च होता है तो वहाँ से कम 5-6,000 रुपये सस्ता ही इंडिया में मोबाइल आता है, चाहे वो जो भी हो। बाकी ये स्मार्टफोन कुछ कलर्स में लॉन्च होंगे, जो कि आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। मोबाइल काफ़ी देखने में सही लगता है, आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, 3.5 mm जैक मिल जाएगा, और शायद से इसमें NFC सपोर्ट भी मिल जाएगा।
अब यहाँ पे जो भी निकल के आया सारा कुछ आपके सामने हमने रख दिया है। अब आप हमें बताएं ये भैया स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, जो भी आपके विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और ये 10 सितंबर को भैया आपके सामने पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर होगा और कौन सी प्राइस होगी, यही दो चीज़ें रहेंगी अनवील होने के लिए, बाकी सारा कुछ पहले से ही पता चल चुका है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।